हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें दिए को कैसे साफ करना है। तो यह पूजा का दिया है, यह तांबे और पीतल का है, तो इसे आप आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसे बताना शुरू करती हूँ। तो यह तांबे का लोटा है और आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हो गया है ये, और इसमें पानी के दाग भी लग गए हैं। यह पीतल का दिया है, इसे भी आप देख सकते हैं, इसका भी हाल बहुत ही बुरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सभी को साफ करके दिखाती हूँ और यह बिल्कुल नया जैसा लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है इमली। तो इमली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, 10 से 15 रुपये में ढेर सारा इमली आ जाता है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब पानी, और इमली को हमें भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो इमली है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं और जो इमली है वो भी सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हम इस तरह से मसल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इमली को मसल लिया है अच्छे से। तो चलिए इसे अब हम कुकर में डाल देते हैं। दिए को हमें कुकर में ही डालने हैं, कुकर में डालकर इसे हमें साफ करने हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब पानी, और इसमें मैंने डाल दिया है एक एक करके सारे दिए। तो इसमें भी पानी कम है, दिए के ऊपर तक हमें पानी चाहिए, तो इसमें हम 2 कप के करीब पानी और डाल देंगे। दिए को हमें अच्छे से डुबो देना है, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और इसे आप एक बार अच्छी तरह हिला लें इस तरह से, ताकि जो नमक है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इसमें हमें 3 से 4 विसल लगाने हैं, इसे हमें पकाना नहीं है, इसमें हमें विसल ही लगवाने हैं, मतलब इसे हमें बॉईल करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें विसल लग गए हैं, और जैसे ही चौथा विसल लग जाए आप गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। जैसे इसका प्रेशर रिलीज हो जाए तो आप कुकर ढक्कन खोल कर इसे आप देख सकते हैं। तो इसका प्रेशर रिलीज हो गया है। तो चलिए अब हम दिए को साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिया जो है वो, अब आप सोच रहे हो कि साफ तो बिल्कुल नहीं हुआ, और भी पहले से ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसे अब हमें हल्के हाथों से रब करना है। तो इसमें मैंने डाल दिया है लिक्विड डिटर्जेंट, आप विम बार भी ले सकते हैं, और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से ही रब करने हैं। यह आसानी से निकल आते हैं, इसके जो गंदे हैं जो भी सब निकल आएंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें रब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस पर हमें मेहनत नहीं करनी है, बस इसे आप चारों ओर अच्छे से रब कर लें इस तरह से स्क्रबर से। और इस लोटे को भी मैं इसी तरह से रब करूँगी। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया है, इसे मैं हल्के हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। जब मैं इसे आप धोऊंगी तब आप देखना पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो गया है और बिल्कुल नया जैसा लगेगा। तो मैंने एक एक करके सारे दियों को अच्छे से साफ कर लिया है स्क्रबर से। और ये जो स्क्रबर है ये पूजा के लिए ही है, तो अगर आप पूजा का बर्तन धो रहे हो तो उसके लिए आप स्क्रबर, साबुन, सर्फ जो भी इस्तेमाल कर रहे हो सब आप अलग रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लोटा है काफ़ी चमक गया है और बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, जबकि मैंने इसे हल्के हाथों से ही स्क्रब किया है, मतलब रब किया है। और ये जो दिया देख सकते हैं कितना गंदा था, अभी बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। तो है ना आसान इसे धोना, आप बहुत ही आसानी से इसे धो सकते हैं। और वो जो आपका इमली का पानी बचा हो तो उसे आप फेंके नहीं, उसमें जो गैस का बर्नर है वो डालकर उसे धो सकते हैं, वो भी बिल्कुल नया जैसा ही लगेगा। तो आप उस पानी का इस्तेमाल और जगह भी कर सकते हैं, जो भी आपके तांबे पीतल के जो बर्तन गंदा हो तो उसे आप धो सकते हैं। इसे हम इस तरह से पोंछ लेंगे जो, ताकि पानी का दाग है ना लगे, क्योंकि तांबे और पीतल पे पानी का दाग बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये हमारे दिए
साफ हो गए हैं। और ये आप लोटा देख सकते हैं, इसका अंदर का पार्ट देखिए, पहले कितना गंदा था और आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक गया है और नया जैसा लग रहा है। और ये जो हमारा दिया है, इसे भी आप देख सकते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है। तो है ना, इसे बहुत ही आसान धोना, तो आप इसे आसानी से धो सकते हैं। और आपके जो घर में सामान उपलब्ध है आप उसी से धो सकते हैं, कहीं से बाहर का कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू, बाय।